हल्का बादली का यह न्योला गांव है, जहां 118 लाख रुपए की लागत से गांव न्योला के तालाब से लिंक बनाया गया है। सालावास लिंक चैनल तक भूमिगत पाइपलाइन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है और यह कार्य हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के प्रयासों से न्योला गांव में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए इस कार्य का एस्टिमेट बनाया गया है। 118 लाख रुपए की लागत से गांव न्योला में यह भूमिगत पाइपलाइन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। मेरा नाम है जबर सिंह चौहान, ठीक है, गांव न्योला है जी। और ये हमारा प्रोजेक्ट, हमने ये जो किया है धनखड़ साहब ने ये पास किया है, 1,80,000 करोड़ का बता रहे हैं। और हम धनखड़ साहब का ये धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी सुध ली और ये पाइपलाइन तो यहाँ तक पहुँचाई। ये तो जी पाइप है और ये हमारा वो जोड़ है जी, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है वो जोड़ है। ये पाइपलाइन यहाँ पे गिरवाई और पाइपलाइन गिरवाने के बाद में ये बारिश जो लेट बारिश हुई थी ना, उससे जल भराव हो गया, नहीं तो वो ठेकेदार भी आ गया था, इसलिए जोड़ जाड़ भी लगवाए। अब ये पानी निकासी हो नहीं पा रही थी यहाँ पे, तो अब ये इन्होंने गवर्नमेंट ने एक मोटर भेजी है, अब तो गवर्नमेंट वाले लग रहे हैं काम करवाने अपने आप पानी निकासी का। हाँ जी, मेरा नाम बिट्टू नंबरदार न्योला से है और जी ये हमारे गाँव में पानी की समस्या है जल भराव के कारण। लगभग हर साल 250-300 एकड़ फसल खराब हो जाती है और पिछले 3 साल से तो ये फसल बोने लायक ज़मीन ही नहीं रही है। तो हमारी सरकार से यही दरखास्त थी कि जी हमारे इस पानी की निकासी के लिए कोई स्थायी समाधान किया जाए। गवर्नमेंट ने इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे गांव के झोड़ से और जो सालावास माइनर है वहाँ तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाने के लिए पाइप पहुँचा दी गई है, लेकिन जल भराव के कारण इसका कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। तो हमारी यही है दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, जिससे हमारी ज़मीन जो फसल बूस के, जिसके साथ साथ हमारे यहाँ वाटर लेवल की समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। वाटर लेवल हमारे गांव में बहुत ऊपर है, उसकी हमारी गवर्नमेंट से यही एक अरदास करते हैं कि जी इसको कम करने के लिए यहाँ पर कोई स्थायी समाधान किया जाए, यहाँ पर कोई बोरिंग हो या कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लेके आए जिससे इसके वाटर लेवल को भी कम किया जाए।